सिर्फ फैलेगा तो मैरिज हॉल में, मार्केट में, आउटडोर कैटरिंग से फैलेगा। मेरी हुकूमतें बता से अपील है, खुदारा अगर आपने हमारे साथ मजाक ना किए तो हमने पहले ऐलान किया था, हमने डिसाइड करके 13 जुलाई को पूरे पाकिस्तान के लोग सड़कों पे होंगे। अगर ये कारोबार बंद है तो इसके मनफी असरात पूरे मुल्क पे जा रहे हैं। देखें कि इस वक्त किसान सड़कों पे हैं, जो मक्की 1400 रुपये मन बिक रही थी वो इस वक्त 800 रुपये मन बिक रही है, और इस मुल्क की 80% फीड मिले बंद हो चुकी हैं। मुर्गी का गोश्त गरीब आदमी की ताकत से बाहर हो जाएगा, ये 400-500-600 रुपये किलो तक जाएगा। और पोल्ट्री इंडस्ट्री कह रही है कि अगर आपने मैरिज हॉल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री ना खोली तो मुल्क क्रैश कर जाएगा। ये मेरी हुकूमत वक्त से अपील है, खुदारा जागो, और अगर आपने ना जागा और हमारे साथ मुजाकरात ना किए 13 जुलाई को, हम बारह दफा कह रहे हैं आपके पास टाइम है, हमारे साथ मुजाकरात करें। हमारे हम हर किस्म के SOP देने को तैयार हैं। SOP तो गवर्नमेंट ने खुद बना दिए हैं, एक निजी मैरिज हॉल के अंदर पंजाब असेंबली का इजलास हो सकता है। वजीर आजम साहब, आप अपने हाउस में अपने साथियों को खाना दे सकते हैं, क्या मैरिज हॉल में फंक्शन नहीं हो सकता? हमने पेशवा टॉक शो में मीडिया के जरिए यह पैगाम दे चुके थे कि हम सड़कों पर आएंगे। लिहाजा मेरा अपने वक्त को यह पैगाम है कि अगर 13 तक आपने हमारे साथ मुजाकरात ना किए तो इस मुल्क में जो हालात होंगे उसकी हुकूमत जिम्मेदार होगी, हम नहीं होंगे। और 13 जो कारोबार बंद हुआ उसके बाद मुतअद्दिद बार गवर्नमेंट ने अपनी CUSE की मीटिंग्स बुला के मुख्तलिफ कारोबार्स को बोला, लेकिन हमारे सड़कों के ऊपर नमक पाशी की गई कि कहीं पर भी कभी हमारा जिक्र ना हुआ, और इस कारोबार को बुरे तरीके से इग्नोर कर दिया गया कि इसको रहने दो, इसको रहने दो, जबकि हमारे लिए कोई रिलीफ का पैकेज भी ना अनाउंस हो सका, ना हमारे लिए ना हमारे मुलाजमीन के लिए। हम इस वक्त आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर गवर्नमेंट को ये दावा करवाना चाह रहे हैं कि 13 जुलाई तक हम लोगों के साथ अपने SOP मुजाकरात तय किए जाएं। आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है पूरे पाकिस्तान में, कल कराची के ऊपर भी अनाउंसमेंट 13 जुलाई एक ही वक्त परेशान है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि 13 जुलाई से पहले हमारा साथ मुजाकराती कमेटी तय